रुड़की। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसके तहत ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल रुड़की के विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान लक्ष्य चौधरी ने 96% अंकों के साथ प्राप्त किया। वहीं 96% अंकों के साथ श्रेया गांधी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। 94.6 अंकों के साथ सुशांत द्वितीय, देवेश ठाकुर 94.4, अदिति 93.2, रोहन 93, प्रियांशी वर्मा 92.6, नरेश कुमार 92.4, अर्णव 92.2, हर्षित यादव 91.8, राधिका गर्ग ने 90% अंक प्राप्त किए। विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान 95.6% अंक पाकर रौनक राणा ने हासिल किया। हर्ष जैन 95.2, अर्पित चौहान 94.6, मृत्युंजय भट्ट 94.2, शिवाक्षी जैन 93.4, हर्ष भास्कर 93.2, अंश प्रसाद 92.6, शावी 92.4, खुशप्रीत कर 92.4, यशस्वी पुंडीर 92.4, दिशिका शिवा 92.2, नैना कश्यप 91.4, मानस भारद्वाज 90.4, रिया धींगरा ने 90% अंकों के साथ सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य माला चौहान एवं प्रबंधक अशोक चौहान ने सभी विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में समस्त शिक्षक मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 में कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की। विज्ञान वर्ग के छात्र आशुतोष मिश्रा ने 98.0% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। आशुतोष ने केमिस्ट्री तथा फिजिकल एजुकेशन में 100 और 100 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। इसके साथ ही विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान पर रहा। कॉमर्स वर्ग की छात्रा ऋषिता ने 93.6% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके शानदार सफलता हासिल की तथा कला वर्ग के छात्र जल्स कौशिश ने 92.0% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का मान बढ़ाया। परीक्षा परिणाम के इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधन विभाग माला चौहान, अशोक चौहान, रिदम चौहान व महक चौहान ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं व बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा भूषण एवं समस्त शिक्षकों ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टाइम निकाल के आप ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 में आए हैं और हमारे 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और मैं पूरे रुड़की के लोगों को गुड विशेस देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 जो देहरादून रोड पर स्थापित है, उन्होंने आई थिंक सो आई मे बी रॉन्ग बट रुड़की टॉप किया है उसने। साइंस साइड से बच्चा है और 10th का भी रिजल्ट आ गया है। हमारे बच्चा जो 10th का है उसका 97% है। दूसरे स्कूल्स का मुझे अभी नहीं पता है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट रैंक ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क में हमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और ग्रीनवे 1 से जो हमारी माताश्री हैं माला चौहान जी और हमारे पिताश्री हैं श्री अशोक चौहान जी, उनके एक्सपीरियंस से जो रिज़ल्ट निकला है, मैं उसका मतलब मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, इस रुड़की का जो ये सीबीएसई स्कूल है ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2, ये फर्स्ट रिज़ल्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट रिज़ल्ट ऑफ 12th और जिसने ये करके दिखाया कि रुड़की टॉप किया है बच्चे ने साइंस साइड से और उसके 98 भी हैं मेरे ख्याल से, उससे ऊपर ही है परसेंटेज उसका। और केमिस्ट्री में उसके 100 out of 100 एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि केमिस्ट्री में 100 out of 100 लाना एक टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, हिंदी में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब सब सब्जेक्ट्स में उसके बहुत अच्छे नंबर रखता है। उस बच्चे ने ना बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी होगी, उसने पेपर नहीं लिखा, उसने प्रेजेंटेशन दी होगी। एक जो टीचर जो इन्विजिलेटर होता है जो चेक करता है, उसको कॉपी चेक करने में मज़ा आ रहा होगा उस वक्त कि मैं क्या कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है जिसके साथ हमने हेल्प करी एक दूसरे के साथ, उसने बहुत मदद एक दूसरे के साथ हेल्प करी और उन्हें बहुत, आप सोचो कि उसका एक मोटिव होगा कि मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, उसने करके दिखा दिया। तो जो स्कूल जी, तो आप क्या लेकर चलेंगे? अब तो ये और टेंशन बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि अब एक बच्चे ने टॉप रुड़की में किया, अब इसको मेंटेन्ड भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये तो स्टार्ट है और अब 98 है, अब हम इसको 99 में लाने की कोशिश करेंगे। और ये डेकोरम जो हमने मेंटेन्ड किया है, जैसे ग्रीनवे 1 30 साल पुराना नेम है ग्रीनवे और ये पहचान का मोहताज नहीं है, ऐसा नाम है। हर एक बच्चा काफ़ी, हर एक घर से एक बच्चा ग्रीनवे से पास आउट है, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जी और जान लगा देंगे और ऐसा ही रिजल्ट ला के रखेंगे और पेरेंट्स के जो सपने हैं वो पूरे करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए।
98% मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स की वजह से आए हैं। मैं इनका सारा श्रेय अपने टीचर्स, अपने माता पिता को देना चाहूँगा और मैं आगे जाके एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किस तरह से आपने पढ़ाई करी है, कितने घंटे पढ़ाई करी है? मैं डेली का मिनिमम थ्रू आउट द ईयर 6 to 8 hours पढ़ता ही था, सेल्फ स्टडी का। उसमें मेरे नोट्स आते थे और मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग आती थी। स्कूल का पढ़ाई में फर्क पड़ता है या ट्यूशन? मेजरली जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ट्यूशन से कवर होता है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है प्रैक्टिस का, टेस्ट असेसमेंट का एंड जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट प्रैक्टिस करने का, वो सब स्कूल देता है हमें। एक्चुअली जो मेरी क्लास टीचर हैं प्रतिमा मैम और मेरी हिस्ट्री की टीचर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मेजरली टीचर्स पे बेस करते हैं कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। मगर उन्होंने हर टाइम पूरा हार्ड वर्क किया और अपने पूरे साल वो डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए, तो इसकी वजह से हर टाइम जब भी एग्ज़ाम्स होते थे और यूनिट टेस्ट होते थे तो इम्प्रूवमेंट आता गया स्कूल में, तो इसमें उनका बहुत रोल है। और घर पर भी बहुत पीसफुल और काम इन्वायरमेंट पेरेंट्स ने क्रिएट किया जिससे सेल्फ स्टडी में मदद मिले। क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं लॉ कॉर्पोरेट में पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो फिर लॉ का, तो फिर लॉ कॉर्पोरेट में मैं जाना चाहता हूँ। 92% है, मेहनत लगती है, आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? मेहनत तो लगती है, मैं आगे जाके CA बनना चाहती हूँ, जिसकी प्रिपरेशन मैंने 12th के साथ साथ करी है, पर मैंने फिर बीच में वो छोड़ दी थी क्योंकि मुझे 12th में भी अच्छे नंबर आए। और सबसे ज़्यादा मेजर रोल मेरी क्लास टीचर ने प्ले करा है इसमें, अगर वो नहीं कुछ करती और तो मेरे 92% नहीं आते। और मोस्ट क्रेडिट प्रिंसिपल मैम को जाता है जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट करा नंबर लाने के लिए। Hip hip! Money! Hip hip! Money! Good.